नारद जी महाराज ने कहा भैयाओं, जैसे ही हमने देखा कि ये सारे तीर्थ केवल भ्रमण के मात्र रह गए हैं, उनका महत्व जा रहा है लोगों के मन से, तो हमने सोचा क्या करें, तो सोचा कि चलो कुछ साधुओं के पास चलें, साधु संत के पास कुछ शांति मिलेगी। पाप निरता गता पापस्य खंड पाखंडा, पाखंड निरता गता संता, संतों को भी क्या देखा, वो पाखंडी हो गए, पाप का ही जो खंड है वो ही पाखंड, ये सब देखे। और साधुओं के पास भी जब शांति नहीं मिली तो क्या करें, तो सोचा कि चलो गृहस्थियों के पास जाकर देखते हैं गृहस्थी कैसे। नारद जी महाराज गृहस्थियों के पास पहुंच गए, तब से धनवंत दरद्री गृही कल कौतुक तात न जात कही, गृहस्थियों के यहाँ जाके जैसे ही देखा तो वहां क्या देखा, तरुणी प्रभूत गे साल को बुद्धिदायक, तरुणी प्रभूत गे घर में जैसे ही श्रीमती जी आए सारी चाबी उनके पास, तरुणी प्रभूत गे, अरे भैया अच्छी बात है पढ़ी लिखी मैसेज है तो सब कुछ सौंप दो, क्यों तुम चक्कर में पड़ रहे। महाराज ये सब सौंपने के बाद भी मामला शांत नहीं है, रोज गोविंदाय नमो, रोज शांति नहीं, रोज लड़ाई हो रही है। और कहा साल को बुद्धिदायक, अगर घर में कोई विवाद हो जावे तो बड़े भैया की सलाह नहीं ली जाएगी, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाएगा और साले साहब जो निर्णय सुना देंगे वो मान्य होगा। अरे भैया साले साहब अगर बुद्धिमान है तो उनकी सलाह लेने में क्या दिक्कत है। अरे महाराज सलाह तो ले ली जाए, सलाह सब लेते हैं लेकिन उसके बाद भी विवाद वैसा ही का वैसा। और हमारे ब्रज में तो एक कहावत है कि दीवार बिगारे आरो और घर बिगार, समझ गए ना, घर बिगारे जैसे दीवार में आप जितने आरे होंगे उतनी ही दीवार कमजोर हो जाएगी, शकुनी आदि उसके प्रमाण भी है, दीवाल से वो होगा और साले से क्या होगा समझ में। तो इस प्रकार से कहा कि तरुणी प्रभूत गे है, माता पिता की सेवा नहीं हो रही, माता पिता श्राद्ध पक्ष में तो खूब माल पुए और क्या क्या बना के जो है खिला रहे हैं, खीर खिला रहे हैं, लेकिन जो जिंदा माता पिता हैं उनको दलिया देने में भी दिक्कत हो रही, क्योंकि कैसी दिक्कत कि भैया दलिया खिलाएंगे वो दलिया जो है बचा रहेगा उसे कौन खाए, और वो जो श्राद्ध में खीर पूड़ी बनाए उसको तो खूब आपने भी खाए और बांट भी दिया। भैया जिस दिन आपको अगर माता पिता को खिलाने में और पालने में दिक्कत हो रही है तो आपका ना तो भागवत सार्थक होगी या आप खूब तीर्थ यात्रा करें, घर के माँ बाप घर के जो साक्षात देवता हैं उनको ना पूछ के पत्रों के देवी देवता मानो या आप वृंदावन जाओ कहीं भी जाओ आपको जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती। और जिस घर के माँ बाप अगर वृद्धाश्रम में पहुंच गए तो समझो उसका बेटा होना ही बेकार, घर में अगर उसने आपको किस परिस्थिति में पाला, एक माँ बाप अर्जुन ने यही तो देखा था जब जिस समय कलिकाल आ रहा था तो क्या देखा कि एक तालाब एक कुआ चार चार कुओं को भर रहा, लेकिन वो चार चार कुएं एक तालाब को नहीं भर पा रहे, एक कुएं को नहीं भर पा रहे। पूछा कृष्ण ने, कृष्ण से पूछा अर्जुन ने महाराज ये क्या है, कहा कि ये कलयुग का समय है कि एक माँ बाप चार चार बच्चों को खिला दे, लेकिन जब माँ बाप का समय आएगा तो वो चार चार होके एक को नहीं खिला। भैया जी 30 दिन होते हैं महीने में, 15 दिन हमारे यहाँ रहेंगे, 15 दिन बाद आप ले जाएंगे और हम दोनों को नहीं रख सकते, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, मम्मी को आप रखो पिताजी को हम रखें। अरे भैया वो युगल जोड़ा क्यों तुम बुढ़ापे में जो है दूर कर रहे, उस बुढ़ापे में तुम उनको दूर करोगे तो तुम्हें कितना पाप मिलेगा, और एक साथ ही रहना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना चाहिए। तो क्या देखा कि घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उसकी या तो यात्रा में रहेगा वो तीर्थ यात्रा में या घर की में घाक खटिया घर के बाहर। इस प्रकार से जब कलिकाल देखा, ये देखो 5000 वर्ष पूर्व की बात है और अभी ज्यादा अंतर नहीं है और बढ़ता ही जा रहा है, कलयुग के जब ये दोष देखे नारद जी ने तो मन में ये आया कि क्या करें क्या विचार करें।
आप सोचा कि कहीं शांति ना हो, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें शांति जरूर मिलेगी। एवं पश्यन् कलम दोषेन पर्यटेन दुन्महि भयम् यमुना तटमापन्यो यत्र लीला हरेर्भु। हमने सब जगह घूमा, सब भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद भी जब जब कहीं शांति नहीं मिली तो मन में वृंदावन का ध्यान आया। अरे कहीं शांति हो जाए ना हो, वृंदावन में तो शांति जरूर मिलेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। और वृंदावन का जैसे ही मन में आया और वृंदावन के बारे में सोचने लगे।